पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पुलवामा जम्मू कश्मीर में आत्मघाती हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए व शहीदों की आत्मा की शांति व सम्मान के लिए राष्ट्रीय अंबेडकर युवा छात्र सभा ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन अंबेडकर पार्क सिविल लाइन मुरादाबाद में किया, जिनमें छात्र सभा ने वीर शहीद जवानों के सम्मान में कैंडल मार्च निकाला व आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया। शोक सभा में राष्ट्रीय अंबेडकर युवा छात्र सभा अध्यक्ष सुनील सागर ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि जब भारत सरकार को वीर शहीदों की शहादत का सुनकर पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए, राष्ट्रीय अंबेडकर युवा छात्र सभा आजीवन वीर शहीदों की शहादत को याद रखेगी, हमेशा ऋणी रहेगी। इस श्रद्धांजलि सभा में सदस्य व पदाधिकारी मंडल अध्यक्ष दीपांशु सागर, मंडल सचिव प्रमोद प्रधान, जिला महासचिव सत्यपाल सिंह, मुंडा पांडे ब्लॉक अध्यक्ष विकास कुमार, डिलारी ब्लॉक अध्यक्ष रविंद्र सागर, जिला महानगर उपाध्यक्ष राजकुमार, भुवनेश कुमार एवं सदस्य आदि भारी संख्या में उपस्थित रहे। मेरा नाम सुनील कुमार सागर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबेडकर युवा छात्र सभा से। क्या हम लोगों ने जो आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, दीप जलाकर जो हमारे वीर शहीद पुलवामा में शहीद हुए हैं उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं हम लोग। और हम राष्ट्रीय अंबेडकर युवा छात्र सभा पाकिस्तान की कड़े शब्दों में निंदा करती है और हम भारत सरकार से आवेदन करते हैं, निवेदन करते हैं कि वो पाकिस्तान से खुलकर बदला ले। और अब ये जो समय है, अब जन जन के दिलों में आक्रोश है, अब ये खुलकर भारत सरकार को पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए और जल्दी ही जो हमारे वीर शहीद शहादत को प्राप्त हुए हैं इनका बदला लेकर हमारे भारतीय जवानों की आत्मा को शांति पहुँचाएँ। यही नहीं, ये घटना आखिरी नहीं है, ये घटना पहले भी हो चुकी थी। ये प्रधानमंत्री जी को ये पहले ही हमारे देश के जवानों को पहले ही आग्रह करना देना चाहिए था, आदेश देना चाहिए था कि खुलकर मार सकते हो आप लोग, हमारे वीर शहीद कब तक मरते रहेंगे, ऐसी कब तक शहादत को प्राप्त होते रहेंगे। इन्होंने बहुत देर से लिया है निर्णय, और ये निर्णय लिया है तो बहुत अच्छा निर्णय लिया है, हम स्वागत करते हैं। क्या अभी क्या मांग करते हैं? मांग हमारी ये है कि जल्दी से जल्दी, जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान ने हमारे देश को इतना आघात पहुँचाया है, पाकिस्तान को आघात पहुँचाकर इसका बदला लिया जाए, ये हमारी मांग है।